32. बेटा उसकी फैसिलिटेट करना, थोड़ी मिट्टी को रिफिल करने में फैसिलिटेट करो। आए हुए पाल ऑफिसर, आए हुए जितने भी अधिकारी, अश्विनी कुमार शर्मा जी पंचायत का, शर्मा जी पंचायत सूबे चक बागपाल खजूरिया जी तरफ से मैडम का अभिनंदन है। और बहुत से दीगर लोग यहाँ पर आए हुए हैं। मैं जो प्रॉब्लम दरवाजे पर लगाया हुआ है इसकी सराहना करता हूँ और मैडम जी और स्टाफ का वेलकम करता हूँ। हीरानगर के लोगों की तरफ से समस्या तो बहुत होती है, जनता की समस्या के समाधान अफसर लोग निकालने की कोशिश करते हैं। मैं ज्यादा कुछ ना कहता हुआ इतना जरूर कहता हूँ कि जो छोटे छोटे जो दरबार आप लोग लगा रहे हैं इससे बहुत सी समस्या लोगों की हल होती है। काफी देर से लग गया है, डीसी साहब तो हर बुधवार को दरबार लेते हैं, पिछली दफा एस डी एम साहब हीरानगर में दरबार लिए था, इधर इसके पहले डीसी साहब मेरे ख्याल जिथाड़ा में मैं गया था किसी काम के लिए, डीसी साहब उधर भी पहुंचे थे। तो दरबार में ये लोगों की जो भी समस्या छोटी मोटी, हर कोई समस्या का तो इमीडिएट हल होता नहीं, क्योंकि कई दफ़ा हम भी बोलते थे लेकिन बाद में पता चला चार कैटरिंग सिस्टम है, हर चीज़ के लिए कैसे काम किया जाता है। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा डीसी साहब से भी कि जो टेंडर की प्रक्रिया है इसको थोड़ा शार्ट में किया जाए, छोटे छोटे मसले हैं, ताकि जैसे कोई बिजली की अगर एक स्मार्ट दो स्मार्ट की तार अगर ब्रेक हुई है उसकी वजह से सारे गांव में बिजली ठप रहती है, तो ये छोटे छोटे जो काम है इनको शार्ट रोड से लिए जाए। वेलकम करना, आपका अभिनंदन करना, ये जनता दरबार लगने चाहिए, ये शहर दरबार के नहीं लगने चाहिए, इन्हें तो समस्या भी हल होनी चाहिए। मैं मैडम साहब की आखना चाहना, ये सारा जरा बार्डर का इलाका है, यह नगर ये बार्डर का इलाका है और मिलता सी बड़ी ज्यादा बनी इरा नगर च गै दो वारदात हुई हैं, इन्हें पर ध्यान देने की जरूरत है। सारा हीरानगर तहसील च अज इसलै सारे कोला बड़िया समस्या है नौजवानें आस्तै, नशा बड़ा ज्यादा होइया, डी साहब मैं आखना चाहना इन्ना ज्यादा नशा होइया, फैमिलियां लोगों का एक एक बच्चा है, फैमिलियां फैमिली बर्बाद हो गई, चिट्टा इन्ना ज्यादा बिका रहा, इन्हें पर लगाम लाई जा, इन्हें कंट्रोल किया जा ताकि सारा यूथ बचे। धन्यवाद करना मैं जी, जैसे कि ये प्रोग्राम हो रहा यह कंडी का इलाका है, इतने तीन किस्म के एरिए, एक कंडी एरिया है, कुछ शहर है टाउन है और मैक्सिमम बार्डर है, बार्डर च अपनी किस्म की समस्या टाउन च अपनी किस्म दी और कंडी च अपनी किस्म दी, कंडी च साड़ी मेन जिहड़ी समस्या है वो है पानी की, क्योंकि नॉन इरीगेटेड लैंड है और 60-70% लोग डिपेंड ऑन लैंड, लेकिन नॉन इरीगेटेड होने के कारण वो इरीगेट नहीं कर सकते, फिर भी जी नैचुरल इरीगेशन होती वो मंकी कर देंगे। हर दरबार अस एक मंकी का बुद्धा लेके आने, लेकिन अज तक कोई सिस्टम नहीं बन सकिया। बड़ी मामूली है वो लोग बेसहारा हैंडीकैप पिंडो मंथली 1000 रुपया 1000 कन्ने गुजारा नहीं होंदा, उनका ऐसा एक सिस्टम बनाया जा जिन्हें इंप्लाई दी टीए बोलता
कुछ परसेंट 4% 5% इस महकमे में होने लोगों को बेसहारा उनकी रिप्रेजेंटेशन नहीं है उनकी नुमाइंदगी नहीं है उनकी नुमाइंदगी तुझ कर ही सकते हो क्योंकि जरा पढ़े लिखा तबका इस चेयर का प्रोडेटर वो बड़ी जल्दी अपने दिमाग के आई क्यू करने उसी की मुश्किल की पिकअप कर सकेगा और उनका समाधान जरा तो अच्छे तरीके से कर सकेगा वो हम लोग इस हिसाब से बैठ के डिस्कस करके प्रिफरेंसी ऑफिस में कर सकते हैं उसके अलावा जो मैम के कंसर्निंग इश्यूज हैं उनके बारे में मैं शायद मेरे से पहले रिपीट वो चीज बोली जा चुकी होगी अगर मेरे नॉलेज में नहीं होगा तो काइंडली उसको नोट डाउन कर लेना हमारा सबसे बड़ा इशू रहता था हमारा जो कठुआ एरिया है यहाँ पे एक बहुत बड़ी आबादी जो है वो फीमेल्स की है और फीमेल आबादी के लिए पहले हमारे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से एक टेलरिंग एंड कटिंग का जो एक कोर्स होता था उसके लिए जो गांव-गांव में सेंटर खुलते थे बच्चों को वहां पे अपना जो अर्निंग थी वो कमाने के लिए कटिंग टेलरिंग सेंटर्स में बच्चों को पूरा उनको ट्रेनिंग दी जाती थी बकायदा उसके बाद उनको स्विंग मशीन दी जाती थी और वो सेंटर्स खोल के वहां पे उनको अपना बैक बटर कमाने के लिए पूरा आत्मनिर्भर किया जाता था जो कि ये स्कीम अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बंद कर दी गई है ये चले गया है स्किल डेवलपमेंट के पास होता क्या है स्किल डेवलपमेंट अपना एक स्ट्रक्चर एस्टेब्लिश करते हैं एक पॉइंट पे फिर वो लोगों को इनवाइट करते हैं कि बच्चे वहां पे आए वहां पे आके इनिशिएट करें मैम एक गांव से उठ के बच्चा आएगा 10 रुपए 20 रुपए 50 रुपए रोज खर्चा करेगा और वो सेंटर में आएगा फिर क्लास लगा के वापिस वही किराया खर्चेगा जितना उनको स्टाइफंड मिलेगा वो उनके किराए में चला जाएगा उनको बचेगा कुछ नहीं और उसके बाद सर्टिफिकेशन के बाद वहां पे अर्निंग के लिए या तो वो अपना बुटीक के लिए या फिर वो बाहर कहीं काम करने के लिए जाएंगे तो वहां बच्चों का वहां पे भी उनका एक्सपेंडिचर होगा मेरी दरख्वास्त रहेगी मैम ये डिपार्टमेंट को दोबारा से आप क्योंकि कंसर्न डिपार्टमेंट से हैं आप इसी मुद्दे को दोबारा से टेकअप करें और ये हमारे सरपंच राकेश जी ने कि यूथ के लिए कि यूथ को नशे से दूर रखा जाए और कुछ ऐसी स्कीम चलाई जाए जिससे ये नशा हमारे समाज में ना फैले हमारे बीच में बैठे हुए सरपंच दूरा के बहुत ही बढ़िया बातें कही सरपंच श्याम जी हमारे आदरणीय सरपंच गरा के अश्विनी जी तो इन सभी की बातों को ध्यान में रखते हुए क्योंकि हमारे क्षेत्र के बहुत ही मजे हुए लोग हैं और बहुत ही रिस्पेक्टेड लोग हैं कुछ बातें मैं आपके ध्यान में रखना चाहूंगा मैम जो कि इस समय की जरूरत है जैसे अभी बरसात का मौसम चल रहा है आने वाले समय में हमारा जो क्षेत्र है उसमें 80% जितने भी लोग हैं वो किसान हैं हमारा एरिया रूरल एरिया को बिलोंग करता है और किसान तबका कई बार मौसम की मार झेलता है केवल अन्य किसी कारणों से अपनी फसल का नुकसान झेलता है उसमें इस समय जो समस्या आ रही है वो आ रही है हमें बिजली की किसानों को केवल हमारा जैसे बिजली का जो महकमा है उनका कहना है कि उनकी बिल होते हैं वो सबमिशन नहीं रहते उनको इस समय पूरे साल किसानों को बिजली की जरूरत नहीं रहती जितनी जरूरत उनको इस समय रहती है इस समय अगर उनका कहीं ट्रांसफार्मर जल रहा है तो विद इन 24 आवर्स वो रिप्लेस होना चाहिए क्योंकि किसान ही अगर मेहनत करेगा किसान ही अगर मेहनत पेश होके हमारे समाज को खाने के लिए रोटी देगा तो हमारा समाज आगे बढ़ेगा हीरानगर में सेटिस्फेक्ट्री काम है अगर आप में कोई और इश्यू आता है तो उसको हम लोग डिस्कस करके जो आपका OHT वाला है उसको भी इसके बाद बात करें उसके अलावा जो आपने मुझे ग्राउंड के आपने दो मुद्दे बताए हैं मैंने नोट कर लिया उसको हम लोग करेंगे फेरू चक के स्कूल का ऑलरेडी इस बार के प्लान में वो आपके बोल से पहले वो इस बार के प्लान में ऑलरेडी है संदीप ने बहुत अच्छे दो मुद्दे रखे हैं यहाँ पे मैडम से डिस्कशन हुआ उसमें जो हो सकेगा उसको हम लोग तो करेंगे करण जी का एज ऑलवेज करण जी से और आपसी तालमेल अच्छा है तो इससे जो जो इन्होंने बातें करी है उसको करके हम लोग खत्म करें शामराज जी आपका काम जो है वो आपके ओन फंड वाली पंचायत में कराए वो ऑलरेडी उसको प्लान को रखा है वो आपने विजिट भी हुई आप गए थे साथ में और जाके आए ना जगह वगैरह देखी आपने दिखाई तो उसको काम को आपको इस पर करा देंगे और बड़ा अच्छा ऑर्गेनाइज करा था डीसी साहब और विद द प्रेजेंस ऑफ ऑल द लोकल ऑफिसर्स सब ने अपना मसाइल ब्रीफ करे एंड दे वर क्वाइट जेन्युइन और जो डिमांड्स थी आई थिंक मोस्टली उनमें से पूरी हो जाएंगी हमने बोल दिया इंस्ट्रक्शंस भी दे दिए और आई थिंक बहुत ज़्यादा शिकायतें थी भी नहीं डिस्ट्रिक्ट इज डूइंग वेल थैंक यू